मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम आपको पंजाब एजुकेशन कम्प्लेक्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सेहत याबी से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम आपको और आपकी फैमिली को अपनी हफाजत में रखे और हर आने वाली मुसीबत, वबा और नागहानी आफत से महफूज रखे। आमीन। नाज़रीन कराम, आज हम फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर बी में पूछे जाने वाले एक अहम तरीन सवाल के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। इस अहम तरीन सवाल के बारे में बात करने से कबल हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये सवाल इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट के मुख्तलिफ इम्तहानात, जैसे सालाना इम्तहान हो या सप्ली का इम्तहान, इस सवाल का कोई ना कोई जुज़ या टॉपिक लाजमी पूछा जाता है। और वह सवाल है अद्वियात के जिस्म में दाखिले के तरीक़ाकार के मुतल्लिक। नाज़रीन कराम, इस अहम सवाल के साथ साथ हम आपको फार्माकोलॉजी, इल्मुल अद्विया और दवा और अद्वियात के मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में भी मालूमात फराहम करेंगे। सवाल की अहमियत के पेश नज़र आपको हदायत की जाती है कि तमाम वीडियो को गौर से मुलाहजा करें और सवाल के मुतल्लिक जो वजाहत की गई है उसको समझने की कोशिश करें। तो आइए हम अपनी आज की वीडियो क्लास का आगाज़ करते हैं। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसमें तंदुरुस्त इंसानों पर अद्वियात की आजमाइश की जाती है। इंसानों पर अद्वियात के इफ़ेक्ट मालूम किए जाते हैं और इसके अलावा सेहत और बीमारी की हालत में अद्वियात के मुरतब होने वाले असरात का मुतालिया किया जाता है। फार्मेसी की एक और शाख फार्माकोनॉमी कहलाती है और फार्माकोनॉमी में अद्वियात के इस्तेमाल के तरीकों का तयन किया जाता है, यानी दवा को किस तरह खिलाया जाए या दवा को किस रास्ते से जिस्म में दाखिल किया जाए और दवा के इस्तेमाल के दीगर जितने भी किस्म के तरीके हैं उनको बयान किया जाता है। इल्मुल अद्विया। इल्मुल अद्विया से मुराद अद्वियात के मुकम्मल अफ़ाल का मुतालिया करना है कि दवा जिस्म के निज़ाम के अंदर दाखिल होते ही किस तरह से अपना अमल शुरू करती है। इल्मुल अद्विया या फार्माकोलॉजी के इल्म में मुतालिया किया जाता है कि वो जिस्म पर क्या असरात पैदा करते हैं। इसके अलावा अद्वियात के अंजाब और अद्वियात के जिस्म से इखराज का मुतालिया भी इल्मुल अद्विया में किया जाता है। दवा। दवा एक कीमियाई मुरकब है जो जिस्म में दाखिल होकर उसके फेल को तब्दील कर सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि अद्वियात अपने तामीरी अमल से अमराज की अलामत को ख़त्म करती हैं। अद्वियात के इस्तेमाल का इन्हसार उसकी कीमियाई तरकीब और अफ़ाल पर होता है। अद्वियात मुख्तलिफ किस्म के अज्ज़ा पर मुश्तमिल होती हैं, उनमें से जो जो फ़ायदेमंद होता है वो फ़ायदा देता है और उसी को हम दवा का अमल जूस पुकारते हैं। मेडिसन ग्रुप्स। अद्वियात अपने ग्रुप के लिहाज से काफ़ी तरह की होती हैं। हम चंद एक अहम तरीन ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं और चूंकि ये इतने ही ग्रुप्स हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। जैसा कि ग्रुप्स की बात करें तो एंटी अल्सर, ज़ख़म को दुरुस्त करने वाली अद्वियात, डाइजेस्टेंट, हाजमा को दुरुस्त करने वाली अद्वियात, एंटी एमिटिक्स, मतली को दूर करने वाली अद्वियात, एंटी डायरियल, इसहाल रोकने वाली अद्वियात, लैक्सडेटिव, कब्ज़ कुशाब, एंटी एसिड, दाफ़े तेज़ाबियत, एंटी बैक्टीरियल, बक्टीरिया को ख़त्म करने वाली, एंटी फंगस, फंगस को ख़त्म करने वाली, एंटी स्पास्मोडिक, दाफ़े कोलेंट मेडिसन, हेपाटिक, जिगर के लिए अद्वियात, एंटी ओबेसिटी, मोटापा को दूर करने वाली अद्वियात, एंटी टोसिव, खुशक खांसी के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसन, एंटी एंजाइनल, दिल के दर्द के इलाज के लिए, एनीमियास, खून की कमी को दूर करने वाली अद्वियात, एंटी इन्फ्लामेटरी, दाफ़े सोजश, एंटी इन्फेक्शन, दाफ़े छूत और एंटी वायरस, वायरस को ख़त्म करने वाली मेडिसिन शामिल हैं।
इसके अलावा और भी बहुत सी अकसाम की अद्वियात हैं जिसमें स्टेराइड, विटामिन्स, हार्मोन वाली अद्वियात और दीगर ग्रुप शामिल हैं। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मेडिसिन के अंदर उसके आमल जुज़ होते हैं, यानी काम करने वाले अज्जा, और इसके अलावा कोई सी भी दवा जो इन अज्जा का ही मजमूआ होती है। आमल जुज़ काफ़ी किस्मों के हैं जिनमें से चंद एक का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और जो आपके सिलेबस में भी शामिल हैं, जैसा कि अल्कलाइड्स, तेल, गूंद, राल, शक्करनुमा उड़ने वाले तेल जिनको वोलाटाइल आयल पुकारा जाता है, मुअय्यन तेल, चकनाई, मोम, कार्बोहाइड्रेट्स, लआब, हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन और इसके अलावा भी दीगर काफ़ी किस्म आमिल जूस शामिल हैं जिनका यहाँ पर हम तस्करा नहीं कर रहे। अद्वियात को जिस्म में दाखिल करवाने के तरीके, रूट्स ऑफ ड्रग्स। अद्वियात को इस्तेमाल करवाने या उनको जिस्म के अंदर दाखिल करने के बहुत से तरीके राइज हैं। हर दवा जो इस्तेमाल करवाई जाती है उसके पेशेंट पर असरात, मुज़र असरात, इलाज के लिए हदायात, ममनू बातें, मकदार, खुराक, दवा की ताकत वगैरह और उसको इस्तेमाल करवाने के अलग अलग तरीके राइज हैं। अद्वियात के इस्तेमाल का इन्हसार उसकी माहियत और खासियत पर भी होता है और मरज़ की नोयत और हालात की नोयत पर भी होता है। अद्वियात इस्तेमाल करवाने के बहुत से तरीके हैं। मुमकिना तौर पर अद्वियात को दर्ज ज़ैल तरीक़ों से इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि अद्वियात को जिस्म में दाखिल करने के लिए दर्ज ज़ैल तरीके इख्तियार किए जाते हैं। मुँह के रास्ते, जिसको औरल रूट कहा जाता है, जिल्द के रास्ते, टॉपिकल एप्लीकेशन, बजरिया इंजेक्शन, सांस के रास्ते, इनहेलेशन, बजरिया इंदाम नहानी, वेजाइनल रूट, मकद के रास्ते, रेक्टल रूट, जबान के नीचे, सब लिंगजुअल, बजरिया इरीगेशन, इरीगेशन रूट और बजरिया वेनिसेक्शन, जिसको वेनिसेक्शन के नाम से पुकारा जाता है। आज अभी जो हम सबसे पहले जिस रास्ते का जिक्र करेंगे वो दाहिनी तरीका, जिसको मुंह के रास्ते यानी ओरल रूट पुकारा जाता है, बयान करेंगे। इस तरीका में दवा को मुंह के रास्ते दाखिल किया जाता है। अद्वियात के इस्तेमाल के तरीकों में ये तरीका सबसे ज़्यादा पुराना और काबिले इस्तेमाल है। जो अद्वियात मुंह के रास्ते इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो काफ़ी दीगर अशकाल की हो सकती हैं, जिनमें गोलियों की शक्ल भी है, सफूफ और ग्लोब्यूल की शक्ल भी है, कैप्सूल और शरबत की शक्ल में, सस्पेंशन या मिक्सर की शक्ल में, कतरों और सांसी की शक्ल भी हो सकती है। मुंह के रास्ते इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन की तमाम अशकाल हालात और ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर बच्चों को टेबलेट इस्तेमाल करवाना एक मुश्किल काम है, तो उनको हालात के तहत सिरप का इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है, और अगर बहुत छोटी उम्र के बच्चे हों तो उनको सिरप अगर पिलाना मुश्किल है तो उनको दवा कतरों की सूरत में भी फराहम की जा सकती है। अगर दवा कड़वी है और वो खाई नहीं जा सकती या वो मैदा में जाके जो है वो नुकसान की वजह बनती हो, तो उसको कैप्सूल की शक्ल में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हकीकत में जितने भी अद्वियात जो मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो तमाम की तमाम मैदा के अंदर जाकर अपना असर दिखाती हैं। ये मैदा में जज़ब होती हैं और अपना असर शुरू करती हैं। इनमें बाज़ अद्वियात को खाली पेट इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि बाज़ को खाली पेट इस्तेमाल करवाना मना किया जाता है क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। ये जो तरीका जिसकी हम बात कर रहे हैं दाहिनी तरीका कहलाता है, उस वक़्त बेकार साबित हो जाता है जबकि कोई सा भी ऐसा मरीज जो कि बेहोश हो और वो मुंह के रास्ते अद्वियात इस्तेमाल ना कर सकता हो। ये तरीका काफ़ी सारे दीगर हालात में भी जो है वो काम नहीं करता, जैसा कि मिसाल के तौर पर ऐसी बात अद्वियात जो कड़वी हों और जिनको खाना मुश्किल हो, या वो निज़ाम हज़म में सोजिश पैदा करके दस्त और उल्टी की वजह बन जाएँ, या उस वक़्त भी ये मौजू नहीं हो सकता जबकि मरीज़ उल्टी कर रहा हो, तो ये तरीका सिर्फ उसी हालात में मुमकिन है जबकि मरीज़ को हालात इजाज़त देते हों कि वो मुंह के रास्ते
यानी दाहिनी तरीका से अद्वियात को अपने जिस्म में दाखिल कर सके। जिल्द के रास्ते टॉपिकल एप्लीकेशन, ये वो तरीका है जिसमें दवा को जिस्म के अंदर दाखिल करने का रास्ता बज़रिया जिल्द है। जिल्द के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात दीगर अशकाल की भी हो सकती हैं, जैसा कि मरहम, क्रीम, लोशन, स्प्रे, पेस्ट, प्लास्टर और लेनामेंट। जिल्द के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की और भी काफ़ी अशकाल हैं जिनको ज़रूरत और नौयत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मरहम में वैसलीन शामिल होती है जो जज़ब होने के बाद भी जिल्द पर बाकी रहती है, जबकि क्रीम एक ऐसी चीज़ है जो कि मुकम्मल तौर पर जिल्द में जज़ब हो जाती है। ऐसे ही प्लास्टर जिल्द के ऊपर काफ़ी देर तक कायम रहता है, जबकि स्प्रे जज़ब होने के बाद जल्दी खुशक हो जाती है। ये एक दवा साज को तजवीज़ करना होता है कि वो मरीज़ के लिए कौन सी सूरत ऐसी अख्तियार करे जिसमें मरीज़ के लिए फ़ायदा भी हो और उसको दिक्कत भी इतनी ना उठानी पड़े। बज़रिया इंजेक्शन, इस तरीका में दवा को टीका के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है। इस तरीका को पेरेंटल रूट कहा जाता है। एलोपैथिक तरीका इलाज में बेशुमार अद्वियात का इस्तेमाल आम तौर पर बज़रिया इंजेक्शन किया जाता है। बज़रिया इंजेक्शन दवा का असर जल्दी होता है। इसके अलावा बाद अद्वियात ऐसी भी होती हैं कि जिनको इंजेक्शन के अलावा किसी और तरीका से जिस्म में दाखिल नहीं किया जा सकता। इंजेक्शन के इस्तेमाल का फ़ैसला मरीज़ की जितनी भी मर्जी हालत होती है उसी को देख कर किया जाता है। इंतकाल खून और पानी को कमी पूरी करने के लिए लगाए जाने वाली ड्रिप को इंजेक्शन के अलावा किसी और तरीका से जिस्म में दाखिल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही वैक्सीन का इस्तेमाल भी सिर्फ इंजेक्शन के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। मरीज़ को इंजेक्शन लगाने के यानी बज़रिया रूट काफ़ी सारे रास्ते भी हैं, लेकिन चंद एक अहम हैं जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। उजलाती इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को गोश्त के अंदर लगाया जाता है, इसी वजह से इंट्रा मस्कुलर कहलाता है। इसको मखसूस उजलात में लगाया जाता है, बाजू के डेल्टॉइड मसल, ट्राइसिप मसल और इसके अलावा सरीन के गोश्त में भी लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते वक्त एहतियात की जाती है कि सुई किसी असब या खून की नाली को ज़ख्मी ना करे, बसूरत दीगर किसी भी मरीज़ को ऐसी गलती की शक्ल में फालज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। वरीदी इंजेक्शन, ये इंजेक्शन वरीद में लगाया जाता है और आम तौर पर इसको आईवी इंजेक्शन के नाम से पुकारा जाता है। ये जिस्म के कई एक मकामात पर लगाया जा सकता है। आम तौर पर मरीज़ के लिए उस जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ पर वरीद साफ और वाज़ह दिखाई दे रही हो। इस इंजेक्शन को इंतहाई सुस्त रफ्तारी से लगाते हैं क्योंकि तेज़ी से लगाने पर मरीज़ के दिल पर दबाव आता है और उसको किसी किस्म का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये इंजेक्शन फौरी तौर पर असर करता है। जल्दी इंजेक्शन, इस तरह के इंजेक्शन को जिल्द यानी स्किन में लगाया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन मुख्तलिफ टेस्ट के लिए भी लगाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर पेंसिलिन या एंटी टेटनस के इंजेक्शन की हसासियत का टेस्ट। इसको बहुत एहतियात से लगाया जाता है और सुई को जिल्द के अंदर मतलूबा हद तक दाखिल किया जाता है। ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन, यह इंजेक्शन जिल्द के नीचे लगाया जाता है। इसकी सुई जिल्द और अतलात के दरमियान दाखिल की जाती है और इस तरह के इंजेक्शन सिर्फ ख़ास मकासद हासिल करने के लिए लगाए जाते हैं। मुख्तसरन तौर पर इनको SC के नाम से पुकारा जाता है। पेट की झिल्ली में इंजेक्शन, ये इंजेक्शन पेट की झिल्ली बारीटोन या पेरिटोनियल में लगाया जाता है। बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला मेथड है जो किसी ख़ास बीमारी और किसी ख़ास हालात में मरीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। दिमाग में इंजेक्शन, इसमें ख़ास तरीक़ा से दबाव का तरीका अख्तियार करके दवा को दिमाग के जोब के अंदर दाखिल किया जाता है। बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला तरीका है और ख़ासा नापेद होता जा रहा है।
लेकिन फिर भी आजकल खास मकासद के लिए ही इसको इस्तेमाल करते हैं। दिल में इंजेक्शन, ये इंजेक्शन बराह रास्त दिल में लगाया जाता है इंतहाई नाजुक हालात में, जबकि मरीज आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जा रहा हो, तो दिल की हरकत को जारी रखने के लिए या दिल की तहरीक को बढ़ाने के लिए इस तरीका को इस्तेमाल में लाया जाता है। दिल की झिल्ली में इंजेक्शन, ये इंजेक्शन दिल की झिल्ली में लगाया जाता है और दिल में इंजेक्शन जितने हालात पैदा अगर हो जाएं तो उस मकासद के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जोड़ों में इंजेक्शन, बाज़ औक़ात जोड़ों के अवारज में ख़ास किस्म की दवा को बज़रिया इंजेक्शन जोड़ों के मकाम पर दाखिल किया जाता है। फेफड़ों की झिल्ली में इंजेक्शन, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जबकि मरीज़ को फेफड़ों के अंदर पानी पड़ गया हो, तो दवा को तनफसी जोक में दाखिल करने के लिए इस तरह के इंजेक्शनों का इस्तेमाल किया जाता है। रीढ़ में इंजेक्शन, इस तरह का इंजेक्शन ऑपरेशन से कबल आम तौर पर बेहोशी को लाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। इस इंजेक्शन को रीढ़ में लगाया जाता है और उतनी देर के लिए मरीज़ बेहोश हो जाता है जब तक दवा का असर जिस्म में मौजूद हो। इसके अलावा ख़ास किस्म के टेस्ट करने के लिए भी इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल में लाया जाता है। सांस के रास्ते, ये भी दवा को जिस्म में दाखिल करने का एक तरीका है। इस तरीका में दवा को सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल किया जाता है और मुख्तलिफ नौईयत की अद्वियात को इस्तेमाल में लाया जाता है। बेहोश मरीजों में भी बाज़ औक़ात अद्वियात सुंघाई जाती हैं। इस अमल से जब मरीज़ सांस ले रहा हो तो दवा जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। बाज़ अमराज में ख़ास किस्म के इनहेलर इस्तेमाल होते हैं जो दवा को सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं। सांस की अमराज में इस तरह के इनहेलर इस्तेमाल होते हैं जिससे सांस भी फौरी तौर पर बहाली की तरफ हो जाता है। आजकल बंद नाक खोलने और नज़ला ज़ुकाम के लिए इनहेलर का इस्तेमाल हो रहा है और ख़ास तौर पर एक ऐसी बीमारी जो कि नाक बंद करने से मुतल्लक है जिसको साइनोसाइटिस कहा जाता है, उसके इलाज के लिए भी इनहेलर को इस्तेमाल में किया जाता है। बाज़ औक़ात सांस के ज़रिए भाप को जिस्म में दाखिल किया जाता है और इस तरीक़ाकार को आम तौर पर ऑपरेशन के लिए बेहोश करने के तरीक़ा के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बज़रिया इंतहाम नहानी वेजाइनल रूट, ऐसी बहुत सी अदवियात हैं जो वुमेंस में इंतहाम नहानी के ज़रिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं और इस तरह की अदवियात के कुछ ख़ास मकासद भी होते हैं, जैसा कि बर्थ कंट्रोल की बहुत सारी अदवियात का इस्तेमाल इंतहाम नहाने के ज़रिए होता है। इस तरीक़ाकार में बर्थ कंट्रोल की ख़ास गोली को या क्रीम को मखसूस जगह पर रख दिया जाता है। बच्चे की पैदाइश में आसानी के लिए भी अद्वियात बज़रिया इंतहाम नहानी इस्तेमाल करवाई जाती हैं। ज़नाना अज़ाए तौलीद की अंदरूनी सोज़श के लिए बहुत सी अद्वियात इस रूह से इस्तेमाल करवाई जाती हैं और ख़ास किस्म की सपोजिस्ट्रीज का इस्तेमाल भी इंतहाम नहानी के ज़रिए ही होता है। मकद के रास्ते रेक्टल रूट, ये भी अद्वियात के इस्तेमाल का एक खासा पुराना रूट है जिसमें अद्वियात को ख़ास मकासद के लिए जिस्म के अंदर इस रास्ते से दाखिल करवाया जाता है। मकद के रास्ते आम तौर पर अनीमिया की गरज से दवा दाखिल की जाती है जिसमें कब्ज़ ख़त्म करने वाला या कीड़े मारने वाला अनीमा शामिल होता है। ख़ास किस्म की सपोजिस्ट्रीज जिसको बतियां भी कहा जाता है मकद के रास्ते दाखिल की जाती हैं। बवासीर के इलाज के लिए भी अद्वियात इसी रास्ते से ही दाखिल होती हैं। ख़ास हालात में मकद के रास्ते से गज़ाई अनीमा भी दिया जाता है और आम तौर पर जचगी से कबल आँख को खाली करने के लिए इस रास्ते से भी मरीज़ को अनीमा किया जाता है। ज़बान के नीचे सब लैंगजुअल, ख़ास हालात में ख़ास किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल ज़बान के नीचे रख कर भी करवाया जाता है। इस तरह की अद्वियात का असर फौरी तौर पर बज़रिया आसाब होता है और आम तौर पर ये इस
قسم کی جتنے بھی ادویات ہیں وہ دل کے شدید درد کی صورت میں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ بذریعہ ایریگیشن روٹ، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے خاص طریقہ سے معدہ اور مثانہ کو ادویات کے ذریعے سے دھویا جاتا ہے اور پھر اسی راستے سے دوا کا استعمال بھی کروایا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں پوٹاشیم پرمنگنیٹ، ایکری فلیون، ٹینک ایسڈ وغیرہ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بذریعہ وینی سیکشن، اگر کبھی ایسا ہو کہ مریض کے لیے وریدی انجیکشن لگانا پوسیبل نہ ہو یا اس کو انجیکشن لگانے کے لیے ورید ہی نہ مل رہی ہو تو ایسے حالات میں پھر وینی سیکشن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بذریعہ مائنر سرجری یعنی بہت ہی ہلکا سا کٹ لگا کر کوئی ورید تلاش کی جاتی ہے اور پھر اس میں خاص ٹیوب یا برنولا ڈال کر دوائی کا جو جاری ہونا ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے ادویات کو جسم میں داخلے کے طریقہ کار کے اوپر آپ کو تفصیلی جو ہے معلومات فراہم کی، پھر بھی مختصراً طور پر اگر ہم ان کو رپیٹ کریں تو یاد رکھیں کہ ادویات جسم میں داخل کرنے کے لیے چار مین راستے استعمال ہوتے ہیں یا چار مین طریقے ہیں جو کہ استعمال میں لائے جاتے ہیں، جن میں پہلا جو ہے وہ دہانی طریقہ ہے، یعنی ایسا طریقہ جس میں آپ دوا کو منہ کے راستے جسم میں داخل کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ اس وقت قابل قبول نہیں ہو سکتا جب کہ مریض بے ہوش ہو یا کہ وہ الٹی کر رہا ہو۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ غیر دہانی طریقہ ہے۔ غیر دہانی طریقہ سے مراد ایسا طریقہ ہے جس میں دوا آپ منہ کے علاوہ باقی کسی بھی راستے سے جسم میں داخل کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ سرنج والا راستہ استعمال کریں یا کوئی سا بھی، ہم اس کو غیر دہانی طریقہ یعنی پیرینٹل روٹس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور اس طریقہ کار میں دوا جسم کے بافتوں میں داخل کی جاتی ہے اور بافتوں میں داخل کرنے کے لیے آپ جو ہے کوئی سا بھی راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر دہانی طریقہ اس وقت بھی قابل قبول ہو جاتا ہے جب کہ مریض بے ہوش ہو اور دوا نہ لے سکتا ہو، لیکن غیر دہانی طریقہ کا سب سے بڑا جو نقصان وہ یہی والا ہے کہ اس طریقہ کار میں مریض خود کو انجیکشن نہیں لگا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اس طریقہ کار میں بعض انجیکشن ایسے ہیں جو کہ مریض کے لیے خاصی درد کی وجہ بنتے ہیں۔ غیر دہانی طریقہ کی اشکال جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، زیر جلدی، درون عضلاتی طریقہ، حوض سوراخ وغیرہ، جو اس سے پہلے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ زیر جلدی ہیں۔ زیر جلدی طریقہ کار کے علاوہ دوس کے لیے سادہ الفاظ غشا بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں آپ دوا کو تحت لسانی، مقدق کے راستے اور اس کے علاوہ زبان کے نیچے رکھتے ہوئے بھی دوا کو آپ جسم میں داخل کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہمارے اس چینل کا مقصد ایسے تمام امیدواروں کو جو فارمیسی اسسٹنٹ یا بی ٹیکنیشین کا ایگزام دے رہے ہیں مکمل رہنمائی کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام امیدوار اپنا داخلہ بھجوانے سے لے کر سلیبس تک اور سلیبس سے لے کر ایگزام پاس کرنے تک اور اپنے سرٹیفکیٹ کو وصول کرنے تک کی تمام انفارمیشن حاصل کر لیں۔ اس مقصد کے لیے ہم ہر ویڈیو کے آخر میں چند اہم ترین کویسچنز پیش کرتے ہیں جو کہ آپ کو فارمیسی اسسٹنٹ اور دیگر امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو اگر آپ غور سے ملاحظہ کریں اور آپ کو کہیں پر بھی کوئی دقت یا مسئلہ پیش آئے تو از راہ مہربانی ہم سے رابطہ فرمائیں۔ اہم ترین سوالات آپ کے سامنے سکرین پر پیش خدمت ہیں اور ان کے جوابات بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ویڈیو کا بار بار وزٹ کرنے پر آپ انشاءاللہ بغیر کسی بھی اضافی مدد یا ٹیوشن کے ان سوالات کو سمجھ جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی دشواری کے آپ تک پہنچ جائیں تو برائے مہربانی ہمارے ایجوکیشنل چینل فارمیسی ایجوکیشن پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اطلاع دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی فارمیسی کے امتحان میں یقینی کامیابی حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔